गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पार्ट 6 बंदर और गिलहरी स्टोरी बंदर और गिलहरी पढ़ेंगे। ओके चलिए करते हैं शुरू। एक बड़े से जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, वह इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। बंदर मजे से पेड़ पर बैठा था। उसी जंगल में एक गिलहरी रहती थी, वह जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तभी उसने लटकती हुई पूंछ को देखा। वह सोचने लगी कि वह यह कोई झूला है जिसे किसी ने झूलने के लिए लगाया है। यह तो पहले यहाँ नहीं था, क्यों ना मैं भी इस पर थोड़ा झूल लूँ। यह सोचकर वह एक लंबी पूंछ पर चढ़ गई। वह उस लंबी पूंछ पर चढ़ गई और झूलने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। एक बार क्या हुआ, एक बड़े से जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक बहुत बड़ा जंगल था, उस पर एक बंदर रहता था। उस बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी और इतनी लंबी थी कि वह जमीन पर लटक रही थी। बंदर पेड़ पर था लेकिन पूंछ उसकी जमीन तक आ रही थी। बंदर मजे से पेड़ पर बैठा हुआ था। उसी जंगल में गिलहरी भी रहती थी एक, वह जमीन पर उछल कूद करती रहती थी। तभी उसने लटकती हुई पूंछ को देखा तो वह सोचने लगी कि यह तो कोई झूला है जिसको किसी ने झूलने के लिए लगाया है, तो यह पहले नहीं था, क्यों ना मैं भी इस पर थोड़ा झूल लूँ। गिलहरी ने सोचा कि झूले पर क्यों ना मैं थोड़ा झूल लूँ। यह सोचकर वह उस लंबी पूंछ पर चढ़ गई और झूलने लगी। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। फिर क्या हुआ, गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी पूंछ पर गिलहरी दिखाई दी। उसने हंसकर कहा, बहन तुम मेरी पूंछ पर क्यों झूल रही हो, उतर जाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर क्या हुआ, गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने जैसे ही नीचे देखा तो पूंछ पर गिलहरी दिखाई दी। उसने हंसकर कहा, बहन मेरी पूंछ पर मत झूलो, क्यों झूल रही हो, उतर जाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर क्या हुआ, गिलहरी ने यह सुनकर ऊपर की ओर देखा, उसे बंदर दिखाई दिया। वह बोली भैया यह तुम क्या कह रहे हो, यह तो झूला है। बंदर बोला, ठीक से देखो पगली, यह झूला नहीं मेरी पूंछ है। जब बंदर ने बोला कि मुझे गुदगुदी हो रही है और मेरी पूंछ से नीचे उतर जा, तो गिलहरी ने सुन के ऊपर देखा और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसे बंदर दिखा। वह बोली, भैया ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो झूला है। बंदर बोला, ठीक से देखो पगली, ठीक से देख, ये झूला नहीं, ये तो मेरी पूंछ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या हुआ, गिलहरी ने ठीक से देखा तो वह सचमुच झूला नहीं था, बंदर की पूंछ थी। गिलहरी शर्माते हुए बोली, माफ करना भैया, मैं तो इसे झूला समझकर झूल रही थी और मुझे झूलने में बड़ा मजा भी आ रहा था। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही गिलहरी ने ऊपर देखा तो वो सचमुच झूला नहीं था, ठीक से देखा तो झूला नहीं था, तो बंदर की पूंछ थी। गिलहरी फिर शर्मा गई, उसने शर्माते हुए माफी मांगी बंदर से और बोली, माफ करना भैया, मैं तो इसे झूला समझकर झूल रही थी और मुझे झूलने में मजा भी आ रहा था। यह सुनकर बंदर हंसने लगा। गिलहरी शर्माते हुए पूंछ से नीचे उतर गई और सामने के पेड़ की डाली पर चली गई। ये सुन के बंदर जो था वह हंसने लगा और गिलहरी जो थी वह शर्मा कर पूंछ से नीचे उतर गई और सामने के पेड़ की डाली पर चली गई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए हुए, उनको भी देख लेते हैं। जंगल, जंगल मीन्स होता है वन, जमीन, जमीन मीन्स धरती, मजा, मजा मीन्स होता है आनंद, डाली पेड़ की एक टहनी होती है जिसको डाली बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे शुद्ध उच्चारण भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड़, गुदगुदी, झूलना, जमीन, पूंछ, जंगल, हस्कर, बंदर, इन वर्ड को आप लोगों को शुद्ध उच्चारण करना है, सही से रीड करना है, पढ़ना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बताइए। एक्सरसाइज के नंबर 2, बंदर की पूंछ कहाँ तक लटक रही थी, तो बंदर की पूंछ जो थी वह जमीन तक लटक रही थी। ओके, आंसर है जमीन तक। नंबर का, गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी, तो गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ओके, नंबर का, गिलहरी को झूलने में कैसा लग रहा था, तो गिलहरी को झूलने में मजा आ रहा था। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग भी इस पार्ट को अच्छे से रीड करिए, समझिए। ओके, और मैंने जो अभी पार्ट
आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान से वीडियो को वॉच करिए।